तो गाइज अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया हमने, बट उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी लीक होना नहीं चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें कैमरे पे नहीं आना है, तो फिर मैंने अपना कैमरा स्टॉप कर दिया तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई। क्या वेरी शाई नेचर दे आर एक्चुअली, डेट्स वाई मैंने उनका लिया ही नहीं। तो अभी हम डी मार्ट जा रहे हैं फैमिली के साथ और भूमिका दीदी की फ्रेंड है, ये बेस्ट फ्रेंड BFF वाली, तो उसके साथ जा रही है वो और हम अपनी गाड़ी निकालते हैं, अपने रथ को निकालते हैं, हम लाल रथ को। तो ये देखो ये यहाँ पर इन लोग कहाँ जा रहे हो, छत में अगर आम होगा तो लेते हुए आना। हाँ दाऊ आप जो, हाँ टाटा टाटा। हाय रे, देख रहे हो घूमने के नाम से मुझे इग्नोर कर रहा है, वरना मासी मासी करता फिरता है। ओ हेलो, ओए ओए, तुझे बोल रही हूँ बाय। हाँ ऐसे बाय बोलने का, ऐसे बाय बोलने का, गुड। यहाँ आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे, कल महाप्रभु जी का बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे महाप्रभु जी। चंपारण में बहुत बहुत भीड़ थी, कल हमारी हवेली में भी भीड़ थी। तो जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश, जय श्रीनाथ जी, सबनु भलू करजो, पण सर्वात महाराथी करजो। नहीं नहीं भाई, सबका पहले भला करना, अपना तो सब सॉर्टेड चल रहा है, सबकी जो भी दुविधाएं हैं पहले उसे सॉल्व कर दो भगवान, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। आपको घर बैठे बैठे दर्शन करा रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। तो ये है हमारी हवेली, देखिए ये है हमारा प्रांगण हवेली का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, भव्य सा भवन टाइप भी है। देखो पापा भी आ गए, पट बंद हो गए, वाह सही टाइम पे मैंने आपको दर्शन करवाए हैं, पट जस्ट बंद हो गए, देख लो आपके सामने ही। तो यहाँ पर भी मतलब 8 पहर के दर्शन होते हैं, सुबह 4 शाम को 4, और संध्या आरती भी होती है और मॉर्निंग की मंगला आरती भी होती है, दोनों होते हैं यहाँ पर। जैसे बाकी जगह जैसे द्वारिका हो गया, वृंदावन हो गया, ठीक है, जहाँ जहाँ हवेलियाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, श्रीनाथ जी विराजमान है, वहाँ पर मंगला आरती होती ही, और शिव भगवान की भी होती है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण भगवान की, सारे देवी देवताओं की मंगला आरती ज़रूर होती है। तो हमारी भी मंगला आरती का समय वगैरह सब समय सारणी ना यहाँ लिखी हुई रहती है, बट अभी कुछ कुछ काम वगैरह चल रहा था, आप लोग खुद जानते हैं हमारी हवेली पर कुछ कुछ चल रहे थे काम वगैरह, तो उसकी वजह से वो बोर्ड अभी अंदर रख दिया गया है, उसको निकालेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कब कब दर्शन के समय है। तो आप आके देख सकते हैं, दर्शन करने आ सकते हैं, ज़रूर आइए। श्रृंगार के भी दर्शन होते हैं, राजभोग के दर्शन होते हैं, उत्थापन के दर्शन होते हैं, शयन के दर्शन होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, और सारे चारों आठों पहर में, मतलब आठों पहर में भगवान अलग अलग उसमें दिखते हैं ना आपको, अगर जो जिसके मन में भाव है ना वही उस कुछ चीज़ को देख सकता है कि कैसे दिख सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून गाइज, अभी हम जाने वाले, मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी उस रूम में रेडी हो रही है, फिर हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर, लेट्स गो। ये आ गई मम्मी, ये कम कम कम, चलो आप ही का वेट हो रहा था, चलो 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 जल्दी चलो। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं डी मार्ट और अंदर जाएंगे अभी कुछ कुछ सामान लेने के लिए। तो हम डी मार्ट के अंदर घुस चुके हैं, चेक कर रहे हैं सामान अच्छा है कि नहीं, कौन सा ले कौन सा नहीं ले, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लचर्स हैं यहाँ पर, चेयर्स है, बच्चों की है, बड़ों की है, तो वे देख रहे हैं सारी चीज़ें, देख परख के फिर लेना चाहिए। तो मम्मी भी चेक कर रही है, देखो यहाँ क्या लेगा, कृपया यहाँ ना बैठे, तो चेयर जो है वो बैठने के लिए नहीं है, मतलब बेचने के लिए है बस। इतना सारा सामान हमने ख़रीदा है यहाँ पर, देख सकते हो इतना सामान ले लिया है हमने, और आगे देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या बच गया है लेने का, तो वो भी शॉपिंग कर ही लेते हैं साथ साथ में, लेट्स गो गाइस। मम्मी वो रही, चलो मम्मी के पीछे पीछे, मम्मी जहाँ जाएगी मम्मी के पीछे पीछे जाने का, वरना घूम जाएंगे। यहाँ पे हमारा बिल हो रहा है, बिल लेने के बाद चलते बाहर। देखो तो ये है हमारे यहाँ का बागेश्वर मंदिर, इतना सुंदर। अभी हम निकल चुके हैं नेक्स्ट मॉल में शॉपिंग करने के लिए, डी मार्ट में तो हो गया हमारा, देख लिया आपने जितना लेना था ले लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉपेज पर। गाइस अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट विशाल मेगा मार्ट, चलो यहाँ पर देखते हैं विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग का आनंद लें, चलो देखते हैं आनंद क्या आनंद आता है यहाँ आके। गाइस हम लोग इतने पतले हैं कि हम लोग बच्चों के सेक्शंस में आकर हम अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं, सीरियसली हम इतने पतले हैं कि हमें हमारे सेक्शन में मिल ही नहीं रहा कपड़ा, तो हम लोग बच्चों के कपड़े देख रहे हैं कि कुछ हमें फिट हो जाए। गाइस ये सब खरीदने के दिन आ गए हैं हमारे, हैं यही खरीदने आए हैं क्या बोलते हो आप, है यही खरीदने आपको, 105 रुपये, 111 रुपये, लेकिन हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ घूमने आए हैं, देखने आए हैं।
लेकिन कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है यार। सो सैड। है थोड़ा सा, चल जाएगा काम नारियल तेल का तो अभी अपना। गाइस नेक्स्ट यहाँ पर आए थे हम कपड़ा लेने के लिए, यहाँ पर दीदी बिल पे कर रही है अभी, ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मेरा यहाँ पर पैक हो चुका है, इन लोगों का चल रहा है, इनका कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है, देखो ऐसा ऐसा लिया गया है। तो गाइस अभी हम डेली इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारी खत्म ही नहीं हो रही है हमारा, हमको इतना सारी चीज़ें लेने की कि क्या पता है, हम लोग बाहर जाने का प्लान चल रहा है। तो स्टे ट्यून गाइस, बने रहिए चैनल पे, देखते हैं और कहाँ कहाँ जाने का होता है, क्या क्या शॉपिंग करते हैं। कितना कपड़ा ले डाले आप, इतना कपड़ा कहाँ पहन के जाओगे, इतना कहाँ पहन के जाओगे पति के साथ। ओ आप, मैं जो बोली तो वो तो आप लिए ही नहीं, तो क्या मतलब अब है, क्या मतलब, चलो के साथ चलो गाइस, चलो डालते बाप रे, अब भी वहाँ एक्सीडेंट होते होते बचा गाइस, गाइस देख के चलाओ गाइस, अभी कुछ भी हो रहा है गाइस। जी हाँ गाइस, ये अंदर रख दो गाइस, बॉयज का है ये वाला सेक्शन। यस आप गोरे गोरे दिख रहे हो दोनों एकदम मेरे फोन में। चलो मैं टिक्की लगाऊं, लगा दूं, चलो आप कोई और चलाएगा, मैं पीछे बैठना चाहूंगी प्लीज, हाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, आप चलाओ हम लोग बैठेंगे। और ऊपर से तुम्हारी जुपिटर इतनी भारी, आगे रख दो आप अपना सामान वहाँ पर और आप चलाओ गाड़ी, हम मैं बीच में, तू बैठ या बीच में, मैं बैठूंगी सबसे पीछे, मैं सबसे पीछे बैठने वाली हूँ, ठीक है। चलो चलो जल्दी करो, भूख लगी है, चलो। अरे चलो जल्दी करो। देखो लड़की भी तो छाट छाट के ले रही है अंदर में खाना बनाने, इसलिए तो बोल रही हूँ जल्दी चलो, भूख लगी है। हाँ हट रहे हैं, हट गए, चलो जल्दी चलो। हम आ गए हैं गोला खाने के लिए, देखो यहाँ पर गोला खाएंगे या सोडा वोडा पियेंगे, बहुत प्यास लग रही है। हमारा गोला तो आ गया तो हम खा रहे हैं अपना गोला, इनका जो सोडा है वो आएगा थोड़ी ही देर में, तो फिर ये लोग सोडा पियेंगे। तो गाइस अभी हम तोड़ रहे हैं आम, कुछ कुछ लगे हुए हैं वहाँ पर, देखो आम लगे हुए दिखे आपको, तो हम तोड़ रहे हैं अचार बनाने के लिए। यहाँ पे गिर गया आम, भूमिका दीदी और मम्मी के सर पे लगी चोट, गई हमारी छत, पता चला मेरे सर पे ना लग जाए। यहाँ पप्पा भी आ चुके हैं, सब मिल के आम तोड़ रहे हैं हम लोग, दाऊ महाराज सोए हैं नीचे इसलिए हम ये काम कर पा रहे हैं, ठीक है। ये गिरा, पप्पा वेरी गुड, पप्पा वेरी गुड, ये यस यस पप्पा, बस ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पर आए अभी परफ्यूम लेने के लिए, या तो डीओ या परफ्यूम जो भी वो, बट मैं मेंस का लेके जाती हूँ, मेरे को फीमेल्स का ना समझ ही नहीं आता, मेरे को उसकी फ्रेग्रेंस ही अच्छी नहीं होती फीमेल वालों की, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो सजेस्ट करना। ये हमारी शांति जनरल स्टोर राजनांदगांव में है, जो कि बहुत अच्छी, और आप मेरा नाम लेकर आएंगे तो भैया आपको डिस्काउंट देंगे, मेरा नाम लेकर आना, ये फ्री में मिला ना भैया, थैंक यू, दे दो फ्री में। अरे वाह देखो भैया, हमको बेला वीटा का फ्री में परफ्यूम दिए, तो आप भी आइए यहाँ पर लेकर जाइए अपना गिव अवे, जल्दी जल्दी से आइए, यहाँ पर ना बाहर में महंगी चीज़ें रहती है और अंदर में ना सस्ती चीज़ें रखते हैं भैया, ठीक है। तो आप लोग ना धोखा मत खाइएगा, ये दिख नहीं रहा मुझे थोड़ा सा अच्छे से कैमरे में, आइए जल्दी आइए, अब ये सब परचेस करिए, सारी दुकान खाली करना है पूरा, ठीक है, जल्दी जल्दी आओ और दुकान खाली करके जाओ, तो भैया करोड़पति बनेंगे, ठीक है। तो गाइस अभी मौसम बहुत ही हो चुका है सुंदर, सुहावना और मज़ेदार, एकदम धूप चली गई है अचानक से, बारिश जैसा वो मौसम हुआ पड़ा है, देख सकते हो आप हमारा आसमान कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बादल छा गए हैं चारों तरफ ही, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है रात बहुत जल्दी हो जाती है। ये ओ हमारा दाऊ महाराज आ रहा है दौड़ के, क्या गजब मौसम हुआ पड़ा है, देख सकते हो पूरा काला काला बादल हो गया, बहुत तेज बारिश होने वाली है राजनांदगांव में, ऐसा लग रहा है पूरे काले काले बादल वहां से ऐसे आ चुके हैं,
धीरे 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 इधर आ जाएंगे पूरे, इधर अभी सफ़ेद बादल है, इधर काले बादल है, ठीक है। तो बारिश भयंकर होने वाली है और हम भी नीचे चलते हैं जल्दी, चलो छा गया है। अभी उतना टाइम हुआ नहीं है, 5:30 हो रही है और ऐसा अंधेरा छाया जैसे कि 7-8 बज गया हो। गजब की आंधी तूफान चल रहा है। ओह माय गॉड, ओह हम कैरी बिन में आए हैं आज फिर से, अभी फिर से मतलब इसमें डाल रहे हैं मेरा कपड़ा। अरे 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 बाप रे बाप, मेरा कपड़ा उड़ जाएंगे ऐसा लग रहा थोड़ी देर में। तो गाइस कैसे सब फड़फड़ा रहे हैं आंधी तूफान, ओ माय गॉड, मैं निकल जाऊंगी ऐसा लग रहा है। तार नीचे आ गया है आंधी तूफान में, ये तार नीचे आ गया है। ओ माय गॉड, क्या मौसम हो रखा है, गजब गजब। गाइस मौसम बहुत खराब होने के बाद बहुत तेजी बारिश हो गई यहाँ पर और बहुत ही मौसम तगड़ा खराब हो चुका है, भयंकर। देखो बिजली कड़क रही है ऊपर, ओ माय गॉड। और इसी के साथ तो गाइज मैं अपने आज का व्लॉग यहाँ पर ऑफ करती हूँ, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।